गाइज वेलकम टू आवर व्लॉग। अभी चुन्नू अपना मेकअप कर रहा है। फैंस को इंजेक्शन लगा दो। पहली बार ब्लॉग बनाया अर्षा ने, जो एक बैड न्यूज की बात मैं आपसे कर रहा था, जमजम इलेक्ट्रॉनिक के नाम का टिकट लगवाना, और मेरे को शक इनके ऊपर भी हो रहा है। आप सतर्क हो जाओ भाई, और बिल्कुल भी विश्वास मत करो इन सब। 4 मिलियन फॉलोवर है इनके यार, बाजगर रिपोर्ट हो जाएगी ना। रे फिर भी ता नचाने आड़ा, मैं हेलो एवरीवन, राम राम भाईशाला नायक, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। तो भाई आपको एक्साइटमेंट मुझे पता है बहुत ज़्यादा है हर्षा का ब्लॉग देखने की, मेरे को भी है आपको दिखाने की। तो भाई हर्षा ने ब्लॉग बनाया था और मेरे को बताया नहीं, मेरे को कल ही पता चला है। जिस दिन जन्माष्टमी थी उसने ब्लॉग बनाया और मेरे को आज उसने सेंड किया है। तो आज आप हर्षा का ब्लॉग देखने वाले हो गाइस, और आज एक अच्छी न्यूज़ तो हर्षा के ब्लॉग की है और एक बैड न्यूज़ भी है, तो वो हम पहले दिखाएंगे अच्छी न्यूज़ और फिर दिखाएंगे बैड न्यूज़। तो गाइस अब बैठ जाओ, चिप्स पॉपकॉर्न लेके अपने, और फुल व्लॉग एंजॉय करो। कहीं से व्लॉग स्किप मत करना, क्योंकि उसका पहला व्लॉग है वो 100% आपके कमेंट्स चेक करेगी। तो आप अच्छे से कमेंट्स करना सारे, ठीक है? और मैं खुद भी चेक करूँगा आपके कमेंट्स कैसे आ रहे हैं। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं, चलो। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर व्लॉग और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। सो आज आपको दिखाते हैं हम चुन्नू की जन्माष्टमी। चुन्नू, अभी चुन्नू अपना मेकअप कर रहा है। शो मी योर मेकअप। आप लिटिल तानू हो आज? लिटिल तानू, अपनी फुल ड्रेस दिखाओ। चुन्नू, चुन्नू फुल रेडी हो गया है। लोई 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 लोई। और चुन्नू को मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं। गाइस, सो गाइस अभी चुन्नू का मेकअप हो रहा है। चुन्नू बना है लिटिल कानू। चुन्नू चाहता है कि वो खुद से मेकअप करे अपना। और चुन्नू का मुकुट कहाँ है? अब चुन्नू रेडी हो चुका है, बस इसका मुकुट लगाना है अभी। और उसके बाद अभी हम पहले गौशाला में जाएंगे, क्योंकि चुन्नू आज चारा डालेगा अपनी छोटी छोटी गाय को। और उसके बाद हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। आपको दिखाते हैं इस्कॉन टेम्पल का नजारा। और बताना चुन्नू कैसा लग रहा है आज? ये देखिए गाइस, इस्कॉन टेम्पल कितना सुंदर सजा हुआ है और भीड़ बहुत ज्यादा है। अब आपको दिखाते हैं हम। अंदर से देखिए कितना सुंदर है। भूत ये देखो, मंदिर से आने के बाद चुन्नू ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब चुन्नू गेम्स खेलेगा। और चुन्नू को ये जूतियाँ इतनी पसंद आ गई, चुन्नू अपनी जूतियाँ निकालना ही नहीं चाहते। चलो दिखाओ आप क्या करना चाहते हो। इंजेक्शन लगा दो अपने फैंस को, इंजेक्शन लगा दो। चुन्नू की ऑडियंस है ना, इंजेक्शन लगा दो। और ये भी लगाएगा चुन्नू डॉक्टर सेट, मैं डॉक्टर बनेगा। अब चुन्नू डॉक्टर मेहरांश, डॉक्टर मेहरांश, डॉक्टर मेहरांश क्या करना चाहते हो? ये लगा दो, ये दे दो, ये दे दो, इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन कहाँ है? इंजेक्शन कहाँ है? हाँ अच्छा, आप अपनी टंग दिखा दो। चुन्नू अपनी टंग दिखा दो। तो गाइस कैसा लगा आपको हर्षा का मिनी ब्लॉग? इसको मिनी ब्लॉग ही बोलूंगा भाई मैं, क्योंकि एक दो मिनट में बोल रही थी वह, और तो सारा उसने दिखाया ही है। मेरे आड़ा काम कर दिया। तो पहली बार ब्लॉग बनाया हर्षा ने गाइस, और थोड़ा सा अच्छे कमेंट करना भाई। आप अच्छे कमेंट तो करते ही हो मुझे पता है, लेकिन जो मेरे बाड़ा बकरे ये कमेंट मत कर दियो। तो गाइस जो एक बैड न्यूज़ की बात मैं आपसे कर रहा था, वो बैड न्यूज़ ये है कि एक बहुत बड़ा स्कैम, एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है जो आपके साथ भी हो सकता है। मैं उस फ्रॉड में ये लगा लो कि 90% घुस गया था, बस 10% बचा हुआ था। वो मेरा अकाउंट बिल्कुल खाली कर देते बिल्कुल। और ये फ्रॉड मतलब इस टाइप का है कि आप अब ये लगाओ कि मान लो
मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी या फिर ऑफिशियल यूट्यूब जो चैनल है उससे आपके पास कोई मैसेज आए कि आपको गिव अवे में आपको ये विनर, आप हो चुके हो विनर और आपको ये प्राइज़ मिलता है, और अब आपको ये प्राइज़ लेने के लिए एक टोकन अमाउंट सेंड करना पड़ेगा, मतलब इस टाइप से। और मैं आपको वीडियो कॉल पे आके ये बात बोलूँ, मतलब वीडियो कॉल पे मैं खुद आपको ये बात बोल रहा हूँ कि हाँ आप जीत चुके हो और आपको मिल रहा है। तो गाइज मेरे साथ हुआ है और ये स्कैम हुआ है दुबई से, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है यार। ये आपको दिखाता हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा इसके अंदर। एक बार कैमरा होल्ड करियो कनिका, इतना कनिका दबा करो, एक बार मैं आपको शो करता हूँ। और उस टाइम पे जब ये फ्रॉड हो रहा था ना, पहले तो इनिशियली रोहित इतना खुश था कि भी देख हमें प्राइज मिलने वाला है। देखो क्या हुआ तब, ये ना आप इनको जानते भी होगे, दुबई में एक छोटा भाई और बड़े भाई के नाम से एक शॉप है, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो ये शॉप है, एक बार आप पूरी देख लो, इनकी फोटो दिखाता हूँ आप। ये देखो ये लोग हैं वो, इनको आप जानते भी होगे शायद, पर्सनली भी आपने देखा भी होगा। इनकी फ़ोन की शॉप है, मोबाइल शॉप है, जिसमें ये नए फ़ोन और पुराने फ़ोन बेचते हैं भाई। तो इनका ये ऑफिशियल अकाउंट लग रहा है 1 मिलियन फॉलोवर हैं। अगर आप भी देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये ओरिजिनल अकाउंट है इनका, लेकिन ये ओरिजिनल अकाउंट नहीं है गाइज, ये फेक अकाउंट है। और इन्होंने मतलब एक इनका वो था गिव अवे, तो मैंने ऐसे मजाक में उसका रिप्लाई कर दिया, मतलब ये था कि ये फ़ोटो थी, ये ऊपर से घूम रही थी, इसको सीधा करो। मैंने सीधा कर दिया और इन्होंने कहा था कि जो सीधा कर देगा उसको 14 प्रो मैक्स मिलेगा। तो उस दिन मेरे साथ कनिका भी थी, हमने मजाक में ऐसे भेज दिया, मगर देखते हैं यार गिव अवे। तो मैंने ये लिखा कि लो आपके सामने ये देख लो, रोक दी, अब आप मत रुको, फ़ोन आने दो। ये मैसेज मैंने उनको सेंड करा था 2 अगस्त को, उनका रिप्लाई आया 2 हफ्ते बाद, ठीक है 2 हफ्ते बाद आया है, और उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा है इस टाइप से। आपको बैक कैमरे में दिखाता हूँ, इसमें फ्रंट में दिख नहीं रहा होगा, देखो ये वो अकाउंट है जिससे फ्रॉड हुआ है, छोटा भाई बड़ा भाई देखो ये दोनों ही हैं, और इनके व्यूज़ देखो आप कितने आ रहे हैं। कोई नहीं बोल सकता कि ये फेक अकाउंट होगा, क्योंकि इतने व्यूज़ किसी फेक अकाउंट पे नहीं आ सकते, है ना। और मैंने इनको ये भेजा था मैसेज, ये फ़ोटो सीधी करनी थी, मैंने इनको बोला कि रोक दी, अब आप मत रोको, फ़ोन आने दो। 2 अगस्त को मैंने सेंड किया और उनका फिर ये आया कि अस्सलाम वालेकुम, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आपको 14 प्रो मैक्स दिया जाता है। उन्होंने फिर अपना ये नंबर सेंड करा, ठीक है। इतना सब होने के बाद फिर मैंने उनसे व्हाट्सएप पे बात करी, और व्हाट्सएप पे मुझे लगा कि शायद एक नॉर्मल उन्होंने वो किया है कि आप जीत सकते होगे शायद, उन्होंने इस टाइप से भेजा। पर उनकी वीडियो कॉल आई मेरे पास, आपको वीडियो कॉल का दिखाता हूँ मैं एक बार, देखो रिकॉर्ड मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम पे, मेरे पास वो फ़ोटो तो नहीं है लेकिन ये है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 32 सेकेंड तक मेरी वीडियो कॉल हुई है। और यही बंदा था, छोटा भाई था बड़ा भाई था मेरे को नहीं पता, इन दोनों में से ही एक था, और बिल्कुल सेम वही लैंग्वेज में यार अस्सलाम वालेकुम रोहित भाई बोल के ऐसे बात कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, मतलब उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप हमको ऑडियो कॉल करो। फिर मैंने ऑडियो कॉल करी, ऑडियो कॉल पे उन्होंने कहा कि आप 14 प्रो मैक्स जीत चुके हो और आपको वो दिया जा रहा है, तो आप रिसीव कैसे करोगे। तो मेरा प्लान था, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने वो जो बाल भी उसमें वो करवाए थे, तो मेरा शूट था दुबई में एक, लेकिन वो कैंसिल हो गया शूट, इस वजह से मैं जा नहीं पाया। तो मैंने उनको बोला कि मैं 21 तारीख को दुबई आ रहा हूँ, मैं वहीं पर आके ले लूँगा। उन्होंने कहा कि सर ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको अभी रिसीव करना पड़ेगा क्योंकि हम लाइव चला रहे हैं ये। उन्होंने बोली मेरे को ये बात कि हम लाइव चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप अपना एक आईडी प्रूफ भेज दो मेरे को। फिर मैंने अपनी एक फ़ोटो भेज दी, आईडी प्रूफ तो मैंने उनको सेंड नहीं करा, एक फ़ोटो भेज दी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हमने इसको देखो, उन्होंने कहा कि एक टोकन अमाउंट आपको भेजना पड़ेगा 2000 रुपये मुंबई एयरपोर्ट का। एक बार बैक कैमरे में देखो, इसमें फ्रंट में आ नहीं रहा, ये देखो उन्होंने कहा कि मुंबई एयरपोर्ट पे, ये मुंबई एयरपोर्ट की स्टैम्प है और ये टोकन अमाउंट है, उन्होंने कहा कि 2000 रुपये इसके अंदर डाल दो।
फिर मुझे शक हुआ कि हाँ दिक्कत होगी इसमें, तो मैंने उनको बोला कि ये तो मुंबई शो कर रहा है, जब मैं दिल्ली में हूँ तो आप मुंबई क्यों भेज रहे हो मेरे को। तो उन्होंने ये बोला, देखो जी भैया, एक घंटे बाद मुंबई का फ्लाइट है, मुंबई इसके बाद फ्लाइट नहीं है, ठीक है, दिल्ली का फ्लाइट नहीं मिला हमें, तो ये मुंबई एयरपोर्ट से आपको ना जमजम इलेक्ट्रॉनिक के नाम का टिकट लगवाना पड़ेगा, ये मैंने आपको टोकन सेंड किया है, 2000 रुपए चार्जेस आएगा, आप टिकट लगवा के मुझे स्लिप सेंड कर दो, मैं आपका पार्सल यहाँ से भेज दूंगा, अगर खुद जा सकते हो तो ठीक है, नहीं जा सकते तो आप ये ऑनलाइन भी लगवा सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ा फ्रॉड है गाइस, सबसे बड़ा फ्रॉड है। फिर मैंने इनको बोला देखो, तो मैं ये चल रिसीव कर लूंगा वहीं पे आपकी शॉप पे आके। देखो ये मैंने भैया ये ना, ये मैंने उनको बोला कि मैं 21 तारीख को दुबई आऊंगा, देखो मैं दुबई आ रहा हूँ 21 तारीख को, तो मैं आपसे रिसीव कर लूंगा वहीं पे आपकी शॉप पे आके। फिर उन्होंने ये बोला, आपकी थी इसलिए आपको भिजवा रहे हैं, उस वक्त अनाउंसमेंट नहीं होगी आपकी तो कैसे देंगे, आप खुद भी समझदार हो, आपको सब पता भी है, वीडियो देखते भी हो। तो ये बात मेरी ऑडियो कॉल पे हुई है उनसे, जब उन्होंने 2000 रुपये मांगे ना, फिर मैंने मतलब मेरा शक इतना तेज़ हो गया इनके ऊपर कि हाँ ये फ्रॉड होंगे। फिर मैंने इनका इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल अकाउंट चेक किया, आप ये देखो ये दोनों अकाउंट बिल्कुल सेम सेम दिख रहे होंगे आपको, आपको बैक कैमरे भी दिखाता हूँ, इसमें नहीं आ रहा, ये देखो ये दोनों बिल्कुल सेम सेम अकाउंट है ना बिल्कुल, इनमें से एक ओरिजिनल है एक फेक है। ऊपर वाला खोलते हैं, देखो ये इनका ओरिजिनल अकाउंट है, और ये देखो ये इनकी फ़ोटो है दोनों की, दोनों भाइयों की। और जब ये इनकी आप आवाज़ सुनो एक बार, किसी में बोल रहे होंगे तो इनकी आवाज़ सुनना। 150 दिरहम में स्मार्टफोन भाई, अब नहीं कहना ऑफर नहीं मिली, बहुत ज़्यादा भाई मैसेज करते हैं, बजट लो है, बजट लो है, देखिए। बिल्कुल सेम आवाज़ आ रही है यार कनिका, बिल्कुल जो उसमें ऑडियो में थी ना व्हाट्सएप पे, बिल्कुल सेम आवाज़ वही आवाज़ है। और ये देखो ये इनका फेक अकाउंट है जिनसे मेरे पास आया था मैसेज, बिल्कुल सेम वही, देखो ये मेरी बात हो रखी है, और ये इनका ओरिजिनल अकाउंट है, ये देखो ये इनका ओरिजिनल अकाउंट है। ये दोनों भाई ऐसी वीडियोस डालते हैं कि हमारे फेक अकाउंट, उनसे बच के रहो। पर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर इतने बड़े लेवल पे कोई फेक अकाउंट है, वो अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? और मेरे को शक इनके ऊपर भी हो रहा है, इनका ही ये कोई फेक पेज है, इन्होंने कोई आज के टाइम पे फ्री में इतना आईफोन ना बांटता, और ये तमाशा कर रहे हैं, एक पेज पे यूं दिखाया हम फ्री के आईफोन दे हैं और दूसरे पे फ्रॉड कर रहे हैं। वृंदावन में था जब इनका मैसेज आया, तो उस टाइम मेरे दिमाग में आई थी कि मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज वो टाइम आ गया है, आपको बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल भी अगर आपसे कोई गिव अवे में कोई भी चीज़ दे रहा है, अगर मैं भी आपको कल को बोलूँ ना कि आपको गिव अवे में मैं कुछ भी दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे मैंने बाइक दी थी, मैंने उनको घर बुलाया, घर बुला के वो बाइक दी थी, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप गिव अवे विनर हो चुके हो, आपको 5000 रुपये, 2000 रुपये, 10000 रुपये भेजने हैं, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा, जैसे कभी भी कोई भी नहीं बोलेगा यार, जो इतना बड़ा गिव अवे कर रहा है उसके लिए 2000-4000 क्या मायने रखते हैं, ये बिल्कुल फेक होता है। तो आप सतर्क हो जाओ भाई, और बिल्कुल भी विश्वास मत करो इन सब चीज़ों पे, ये इतने बड़े लेवल पे फ्रॉड चल रहा है यार, इतने बड़े लेवल पे। आप ये देखो इनके दो अकाउंट हैं और बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल आप एक बार देखो, ये दोनों अकाउंट बिल्कुल सेम लग रहे हैं यार, एक माइन्यूट सा फर्क है बस, ये इस पे ये नीचे से ये डैश सा है और ऊपर नहीं है अंडरस्कोर, ऊपर ऊपर वो नहीं है, बिल्कुल सेम यार, बिल्कुल सेम वही प्रोफाइल है। मुझे लग रहा है कि ये इन्हीं का ही अकाउंट है कोई फेक, जो इन्होंने ऐसे दिखा रखा है कि हाँ फेक अकाउंट। और मैंने इनकी वीडियो देखी भी थी, छोटा भाई बड़े भाई की, जिसमें इन्होंने ये बोला भी हुआ है कि हमारा एक फेक अकाउंट है, उस पे आप पैसे मत भेजा करो, वो मत भेजा करो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक फेमस होने का तरीका भी है इनका, मतलब जिस अपने आप फ्रॉड करवाते हैं ना, तो यार सिर्फ एक अकाउंट है ये, अगर ये इस लेवल पे पता ही है कि फ्रॉड हो रहा है तो वो अभी तक अकाउंट क्यों नहीं बंद हुआ, सबसे बड़ी बात अगर ये है। अगर ये ऊंचा हो ना तो एक मिनट के अंदर अकाउंट बंद हो उसका है, एक मिनट के अंदर 4 मिलियन फॉलोवर है इनके यार, बाजगर रिपोर्ट हो जाएगी ना जब बंद हो जाएगा वो, लेकिन अभी तक नहीं हुआ बंद और अभी तक फ्रॉड चल रहा है।
तो गाइज आप लोग इन सब चीज़ों से बचो। अगर कोई भी आपको बोलता है, पैसों की डिमांड करता है, तो बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। बस ये बात बोलनी थी मेरे को। और ऐसा नहीं है कि मैं 2000 रुपये सेंड कर देता तो वो मेरे को रिसीव हो जाता, बिल्कुल भी नहीं होता। वो और पैसों की डिमांड करते 110% कि मुंबई से आपका अब दिल्ली भेजेंगे हम, ये करेंगे वो करेंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। मेरे को एक बार ये फ़ोन आया कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ मैं, और मेरी टिकट नहीं हो रही है। मेरे को फ़ोन आया ये, मैं आपका फ़ैन हूँ। पहले मेरे को फ़ोन आया था शॉप पे, फिर शॉप पे मौसी ने नंबर दे दिया होगा मेरा, फिर उन्होंने कहा कि मेरी टिकट नहीं हो रही है और आप मेरे को प्लीज़ 2000 पेटीएम कर दोगे, UPI कर दोगे। मतलब इस टाइप के फ़ोन मतलब आ रहे हैं यार कि एक देश का जवान बन के अग भाई ये उस पर तरस खा लेंगे, इनू कर लेंगे। पर बिल्कुल भी आप विश्वास मत करना भाई इन सब चीज़ों पे। आपसे कोई भी पैसों की डिमांड करता है, अगर कल को मैं भी अगर मतलब इतनी टेक्नोलॉजी चल रही है यार, अगर वो मेरी भी फ़ोटो लगा के और मेरी आवाज़ में से बुलवा देंगे ना, तो आप बिल्कुल भी भरोसा मत करना भाई। मैं कभी भी पैसों की डिमांड किसी से भी नहीं करूँगा, किसी से भी नहीं। तो प्लीज़ बस आपको बस यही बोलना था मेरे को, और आज का व्लॉग बस यही था भाई। अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, क्योंकि हर्षा का पहला व्लॉग था। मैंने अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉड हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे वो बताना। और लिखना गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़, जैसे मैंने आपको दी है ना आज, ऐसे ही लिख के, ठीक है। और आज के व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।